हाय दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों दो टॉपिक के ऊपर है। पहला तो जो आपका रेयर जो डिस्क ब्रेक का जो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है ना, उसको फिक्स करेंगे। किस तरह से आप जो है ब्रेकिंग कंट्रोलिंग जो है रेयर डिस्क ब्रेक का प्रॉपरली कर सकते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। और सेकंड टॉपिक जो है रेयर व्हील को कैसे ओपन करते हैं ना, वो भी जानने वाले हैं। दोस्तों रेयर व्हील को ओपन करना जानना जरूरी होता है, बिकॉज जब भी आप लॉन्ग शॉट राइड कर रहे होते हैं, बाइक जो है पंचर हो जाती है, तो आपको बाइक को पूरा टो कर लेके जाने की जरूरत नहीं है। रेयर व्हील ओपन करके जहाँ पर पंचर है वहाँ तक लेके जाके वहाँ पंचर बना के दोबारा फिक्स कर सकते हैं। तो रेयर व्हील कैसे ओपन करते हैं वो भी जानने वाले हैं, एंड रेयर डिस्क जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों पहले ओपन करते हैं रेयर व्हील। एंड रेयर व्हील ओपन करना बहुत ज़्यादा इजी है। 24 नंबर का सॉकेट पाना चाहिए, एंड आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो है बोल्ट के दूसरी तरफ लगेगा, देखेंगे आप। मैंने फिक्स कर दिया वहाँ पर, एंड वहाँ से थोड़ा टाइटली पकड़ने के लिए, एंड इस तरह से व्हील को आप ओपन कर सकते हैं। हमेशा अच्छा सॉकेट पाना यूज़ करिए, जो रिंग पाना होता है उसको यूज़ करिए। आप जो यू पाना होता है ना वो मत यूज़ करिए। एंड हल्का सा ठोकेंगे ना तो बोल्ट जो है वो आराम से आप पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको डिस्क ब्रेक के पास जाना है। डिस्क ब्रेक की जितनी वायर है उसको रिलीज़ करना है, फ्री करना है। एंड डिस्क ब्रेक का जो असेंबली है उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे ना आप, तो वो बाहर निकल जाएगा। एंड दैट्स इट, व्हील जो है आपका फिर नीचे की तरफ खींच लेना है, व्हील ओपन हो गया। तो व्हील ओपन करना बहुत ही ईजी है। अब जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो है आप डिस्क पैड जो है वो क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज रेयर ब्रेकिंग का जो प्रॉब्लम आता है ना मेनली वो आता है डिस्क पैड पे, जो वो डस्ट चिपक जाता है ना उसके वजह से। एंड दोस्तों डस्ट चिपकने की वजह से वो थोड़ा सा चिकना टाइप हो जाता है, एंड आप उसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। आपको व्हील ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं दो टॉपिक पर वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने व्हील भी ओपन किया, एंड साथ ही साथ आपको दोनों चीज़ दिखा भी रहा हूँ। बट आपको अगर आपको डिस्क पैड क्लीन करना है, डिस्क क्लीन करना है, तो आपको जो है व्हील निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बिना निकाले भी कर सकते हैं। तो इसको आपको मेनली क्या करना होता है कि आपको इसको सैंड पेपर से ना क्लीन करना होता है। आप सैंड पेपर 150 ग्रेड का, 200 ग्रेड का, या फिर 280 ग्रेड का, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से रगड़ के जो है आप जितना जो ऊपर जो चिकनी लेयर है ना जो डिस्क पैड पर आ गई है वो ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो अच्छे से उसको रब करिए, अच्छे से क्लीन करिए। एंड दोस्तों ये आपको जो मेंटेनेंस है ना एवरी मतलब मान लीजिए मंथ में एक बार तो करना चाहिए, या तो सर्विस के टाइम पे ना एक बार करवा लीजिए, या तो राइड पे जब आप जा रहे हैं उससे पहले करवा लीजिए, बिकॉज ब्रेकिंग कंट्रोलिंग बाइक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रंट ब्रेक अच्छा वर्क कर रहा है, रेयर ब्रेक सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा लोड जो है आपको फ्रंट ब्रेक पर ज़्यादा आता है। अगर आपके ब्रेकिंग आगे पीछे दोनों तरफ प्रॉपर हैं तो आपको बाइक पर एक अच्छा कंट्रोल ग्रिप जो है देखने मिलता है। तो चिकनी जो लेयर है उसको निकालना होता है, और डिस्क प्लेट जो होता है ना उसको आप सोपी वाटर से क्लीन करके अच्छे से वाइप कर दीजिए, ताकि जो है ऊपर का जितना भी जो डस्ट होस्ट है ना वो सब निकल जाए। एंड जब भी आप राइड कर रहे हो ना, जब भी आप राइड करते हैं, एंड राइड करने के बाद जब होटल चेकिंग या फिर ऐसे गेस्ट हाउस में चेकिंग करते हैं, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जो है अच्छे से कपड़े से जो है वो वाइप करने की कोशिश कीजिए, ताकि अच्छे से जो जितनी भी डस्ट लगी है ना वो जो है आपके डिस्क पैड पर ना जाए। डिस्क पैड पर जाएगा तो वो डिस्क पैड चिकना हो जाएगा, एंड उसके बाद वो ब्रेकिंग जो है उतना ज़्यादा प्रॉपरली अच्छे से नहीं देगा आपको। तो दोस्तों ये था किस तरह से आप जो है रेयर व्हील का टोटली मेंटेनेंस कर सकते हैं, डिस्क ब्रेक का कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। रेयर व्हील को जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही आपको फिक्स भी करना है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप करने बैठेंगे तो आप ईजिली जो है उसको कर सकेंगे, बट हाँ ऑलवेज डू दिस विद द राइट टूल, हमेशा सही और प्रॉपर टूल के साथ में जो है इसको ट्राई करिए, वरना फिर आपका जो है वो टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता है। आराम से जो है आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था कि रेयर व्हील ओपन करने के लिए आपको एक सिंगल नट ओपन करना है, एंड साथ ही साथ आप जो है जो जितनी भी डिस्क ब्रेक की असेंबली है उसको ओपन करके आप जो है रेयर व्हील ईजिली ओपन कर सकते हैं। अपने साथ में एक पर्सन जो है वो रखिएगा जो आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट ग्रुप। ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।